हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल द बिटकॉइन बर्नर। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट में क्या कुछ न्यूज़ निकल के आ रही है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करवाऊंगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखें। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलें। फिलहाल यहाँ पे न्यूज़ कवर करने से पहले क्विक अपडेट, आपको बिटकॉइन की करंट प्राइस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल के बारे में बताना चाहूँगा। क्या कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिलहाल करंटली अगर हम देखें तो बिटकॉइन 43,293.52 डॉलर्स पर ट्रेड करता हुआ हमें नज़र आ रहा है। 5.87% से हमें यहाँ पे प्राइस जो है वो अप देखने को मिल रही है। फिलहाल जो ये रेजिस्टेंस लेवल है वो 43,700 डॉलर से लेके 44,200 डॉलर्स पे हमें देखने को मिल रहा है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। अगर इसको ब्रेक करने में बुल्स कामयाब रहते हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बात होगी वो मार्केट के लिए। अगर इसके ऊपर एक सपोर्ट लेवल बनाने में वो कामयाब रहते हैं ये दिन ख़त्म होने तक। अगला यहाँ पे जो हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है फिलहाल वो 42,200 डॉलर्स पे देखने को मिल रहा है। उसके नीचे अगर और इंपॉर्टेंट क्रूशियल सपोर्ट की बात करें 40,300 डॉलर से लेकर 40,400 डॉलर के आसपास बना हुआ है। कहीं ना कहीं बुल्स को अगर चार्ज में रहना है तो ये सपोर्ट लेवल इनको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिलहाल ये काफ़ी बेसिक एंड क्विक अपडेट थी। जो लोग हमारे चैनल से लगातार जुड़े हुए हैं उनको ये बात पता होगी, प्रॉपर और एक ऑल्ट कॉइन के साथ प्रॉपर बिटकॉइन टीए वीडियो आपको शाम को प्रोवाइड करवाते हैं। मार्केट मूवमेंट के क्या सिनेरियोज बनते हैं, सारी अपडेट्स आपको दी जाती हैं और प्रॉपर तरीके से टीए ग्राफ के साथ आपको सब कुछ एक्सप्लेन किया जाता है। तो अगर आप कोई भी अपडेट्स मिस आउट नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए ताकि आप कोई भी अपडेट्स मिस आउट ना कर सके। और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसको भी ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, जंप करते हैं न्यूज़ सेक्शन के ऊपर। जो सबसे पहली न्यूज़ निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है जेपी मॉर्गन की तरफ से। बेसिकली यहाँ पे जेपी मॉर्गन ने बिटकॉइन फोकस इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशनल ग्रेड प्लेटफॉर्म न्यूयॉर्क डिजिटल इन्वेस्टमेंट ग्रुप के साथ पार्टनरशिप करी है और बेसिकली इनसे बेनिफिट होने वाला है। जो बड़े वेल्दी क्लाइंट्स हैं इनके, इनको यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा। बिटकॉइन फंड इनके लिए ओपन किया जाएगा बड़े वेल्दी क्लाइंट्स के लिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे जेपी मॉर्गन के द्वारा में देखने को मिल रही है। अगली जो न्यूज़ निकल के आ रही है कॉइनबेस की तरफ से निकल के आ रही है और कॉइनबेस यूजर्स को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा राहत मिली है। कॉइनबेस यूजर्स कैन नाउ बाय क्रिप्टो विद एप्पल पे। बेसिकली अब आप अपने एप्पल पे को जो वॉलेट है आप उसको अटैच कर सकते हैं कॉइनबेस के साथ, उनके यूजर्स हैं, और वीज़ा एंड मास्टर कार्ड को अटैच करके आप यहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज खरीद सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली मैं इसलिए इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ और इसके बारे में कुछ आपको और क्रूशियल चीज़ें बोलना चाहूँगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें एक चीज़ देखने को मिल रही है यहाँ पे जो बड़े एक्सचेंजेस हैं वो थोड़ा पेमेंट्स मैथड जो उसको आसान करने की कोशिश कर रहे हैं। और इंडिया में उस टाइम पे जहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे होते हुए नज़र आ रही है, यहाँ पे कुछ क्लैरिटी नहीं है। कहीं ना कहीं आगे चल के इंडियन गवर्नमेंट क्लैरिटी देती है तो हमें और ज़्यादा पेमेंट ऑप्शन जो है वो आसान होते हुए नज़र आएंगे। अभी हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है तो वो सारी चीज़ें भी सॉल्व हो सकती है जैसे जैसे यहाँ पे मार्केट ग्रो करेगा और हमें इंडिया की तरफ से पॉजिटिव न्यूज़ और एक अच्छी रेगुलेशन स्ट्रक्चर की उम्मीद हम कर सकते हैं। फिलहाल जो अगली न्यूज़ निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है यहाँ पे मिलानियन कैपिटल के साथ। बेसिकली उन्होंने यहाँ पे यूरोपियन फर्स्ट रेगुलेटेड बिटकॉइन ETF को लॉन्च कर दिया। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हमें लगातार ETFs में की मार्केट में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर मैं अगली न्यूज़ शेयर करूँ वो भी बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। यहाँ पे 364 बिलियन इन्वेस्टमेंट मैनेजर इन्वेस्को फाइल्स फॉर बिटकॉइन ETF। लगातार यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है जो बड़ी बड़ी फर्म्स हैं वो ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट की जितनी भी पोटेंशियल है उसको यहाँ पे ग्रास्प करना चाहते हैं। जो यूज़र इन्वेस्टर का इंटरेस्ट है उसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर हमें लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। अगली जो न्यूज़ है वेनेजुएला की तरफ से निकल के आ रही है। वेनेजुएला विल लॉन्च डिजिटल बोलीवर इन अक्टूबर। सो बेसिकली यहाँ पे पिछली न्यूज़ आपको मैंने बताई थी वेनेजुएला काफ़ी काम कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ पे एक तरीके का बिल और लॉ भी पास करने की कोशिश करी जिसके बाद जो आप एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लोन्स हैं उस जो पेमेंट्स वो क्रिप्टो के फॉर्म में हो सकते हैं, क्रिप्टो फॉर्म में लोन्स हो सकते हैं। यह सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है वेनेजुएला की तरफ से। उस टाइम पे जब उनकी इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा डामाडोल हो रही है, ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन यहाँ पे है, आप देख भी सकते हैं। द सेंट्रल बैंक ऑफ वेनेजुएला विल साइमल्टेनियसली लॉप 6 zeros ऑफ इट्स करेंसी टू कॉम्बैट मॉनेटरी इन्फ्लेशन। सो बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें हमें वेनेजुएला से देखने को मिल रही हैं। इससे क्या क्या कड़ियाँ जुड़ती हैं, कहीं ना कहीं दुनिया भर की पॉलिटिक्स का ध्यान इसके ऊपर ज़रूर होगा। और जो भी अपडेट्स आएंगे मैं आपको टाइम टू टाइम अपने वीडियोज़ के थ्रू शेयर करता रहूँगा। फिलहाल ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं न्यूज़ से रिगार्डिंग ETFs, क्या कुछ मार्केट में चल रहा है उसके बारे में आपको मैंने बताया। इन द एंड यहीं तक थी मेरी न्यूज़ सेक्शन की वीडियो। अगर आपको वीडियो और ऐसी डेली अपडेट्स न्यूज़ वीडियो पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ गाइस ऐसे हमें शेयर कर हमारे को सपोर्ट करती चाहिए। वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करके आप बताइए भी आपको क्या लगता है इंडिया का क्या स्टांस हो सकता है आने वाले टाइम में जब अपना रेगुलेशन बिल लेके आएंगे। अगर मेरा मानना है अगर इंडिया ने इतना टाइम लिया है तो कहीं ना कहीं वो पूरी दुनिया भर का यहाँ पे क्या माहौल चल रहा है, क्या स्टैंड है, उसके ऊपर नज़र रख के एक अच्छा रेगुलेटेड फ्रेमवर्क बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ ये सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए ताकि आप कोई भी अपडेट्स मिस आउट ना कर सकें। कल हमने आपके कहने पर TRX के प्रॉपर एक वीडियो बनाया था और इसी वीडियो में आपको बिटकॉइन का प्रॉपर प्राइस एनालिसिस भी हमने प्रोवाइड करवाया था और डिफरेंट मार्केट अपडेट्स आपको हम टाइम टू टाइम देते रहते हैं। तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।